देखो बेटा, तो आज अपन सिक्स्थ यूनिट ऑप्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि थोड़े रेगुलर सिलेबस को तो डिलीटेड है पार्ट है ना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, बट ये कॉम्पिटिशन लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जदों असी ऑप्टिक्स के अंदर वेव ऑप्टिक्स दे अंडर पोलराइज अपना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना स्टडी किए सी, तो थानू मैं दस्या सी कि जिहड़े दो फिनोमिना है वो एक्चुअली वेव नेचर ऑफ लाइट नू कंफर्म कर दे। तो एक्चुअली दो नहीं तीन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट मतलब आज तो बाद याद रखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट ते पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये जो तीन फिनोमिना है ये कंफर्म करते हैं किसनों, वेव नेचर ऑफ लाइट। पर हम ये चो भी अगली गल जी इंपॉर्टेंट है वो की है पुत्र, कि जी वेव है थानू पता है वो मेनली दो तरह की नेचर है, एक ट्रांसवर्स एक लोंगिट्यूडनल। तो जो असि पोलराइजेशन ऑफ लाइट की गल करते हैं ना, तो हम नाम तो ही क्लियर है कि ये फिनोमिना लाइट के नाल जुड़े हुआ। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की गल करते हैं वो भी लाइट नाल जुड़े हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की गल करते हैं वो भी लाइट नाल लिंक्ड फिनोमिना है। पर फर्क कितने आता पुत्र, गल नूं समझो, जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है ना वो साउंड के नाल भी इक्वली एप्लीकेबल है। हुण साउंड जो है वो एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव की और लाइट एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव। तो इहदा मतलब आपां की कंफर्म किया कि जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है वो लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स दोनों तरह दियां वेव शो कर दियां। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी एग्जिस्ट करता है, डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड भी एग्जिस्ट करता है। तो डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड फिर अगेन लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाल लिंक्ड फिनोमिना है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट ट्रांसवर्स वेव के नाल। तो कहने का मतलब ये कि इंटरफेरेंस ते डायफ्रैक्शन ये जो दो फिनोमिना है ना ये हर तरह की वेव पोजेस करती है, शो करती है, एग्जिबिट करती है। पर जिहड़ा पोलराइजेशन फिनोमिना है ना ये सिर्फ लाइट के नाल ही लिंक्ड है, पोलराइजेशन ऑफ साउंड पॉसिबल नहीं है। इहदा मतलब जो पोलराइजेशन ऑफ साउंड पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स पोलराइजेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एग्जिस्ट नहीं करता, पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव ही एग्जिस्ट करता। तो इहदा मतलब भी अगर सानू कोई एक फिनोमिना के बारे पूछा जाए जिसकी हेल्प के नाल असी लॉन्गिट्यूडनल ते ट्रांसवर्स वेव नू डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो तो पोलराइजेशन, क्योंकि जिहड़ी वेव शो करेगी पोलराइजेशन तो वो होएगी ट्रांसवर्स नेचर दी, जिहड़ी नहीं शो करेगी वो होएगी लोंगिट्यूडनल नेचर। तो इस करके इस रिजल्ट नू याद रखना थोड़े लिए बड़ा जरूरी है कि जे तो मैनू कोई कहे कि उन्होंने फिनोमिना के नाम बोलो लिखो जिहड़े वेव नेचर नू कंफर्म करते हैं, तो मैं लिखांगा इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन ते पोलराइजेशन। पर जे मैनू कोई कहे कि उस फिनोमिना का नाम लिखो जिहड़ा कि ट्रांसवर्स ते लोंगिट्यूडनल वेव नू अलग शो करदा, फिर मैं बोलांगा जो पोलराइजेशन है वो फिनोमिना, क्योंकि दैट इज शोन बाय लोंगिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव ओनली, लोंगिट्यूडनल वेव पोलराइजेशन फिनोमिना शो नहीं करते। तो क्लियर आंसर? अंकुर क्लियर है? हुण जदों असीं पोलराइजेशन दे कंसैप्ट नूं समझना वा तां उहदे विच बेटा तुसीं की पॉइंट नूं नोट करना निशान, कि असीं इह फिफ्थ यूनिट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हां कि जिहड़ी लाइट है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईएम वेव, ट्रांसवर्स इन नेचर है। हुण ईएम वेव दे नाल असीं ना
जो ईएम वेव है उसके नाल असी एक तो टर्म लिंक करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दूसरी टर्म असी जोड़ते हैं डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरी है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो और असी बेटा फिफ्थ यूनिट जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ईएम वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब कि ये तीनों डायरेक्शंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दे परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दे परपेंडिकुलर है, और ये आपस में भी परपेंडिकुलर है। तो लॉन्गिंग अपना लाइट जी है ईएम वेव जी है वो ट्रांसवर्स नेचर भी है ना। तो बेटा अगर असि एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस नू कंसीडर करते हैं, तां अगर बेटा एक्स एक्सिस थोड़ी है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंडरस्टूड है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस। तो इट मीन्स जिस तरह थानू ये पता है ना कि अगर एक्स और वाई प्लेन है तो जेड एक्सिस चाहे शो कीती है या नहीं कीती वो हमेशा एक्स वाई प्लेन दे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर मैनू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ते इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता तो अंडरस्टूड है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन केड़ी होएगी, चाहे वो गिवन होए या ना होए। तो मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ। तो इन तीनों विचों कोई भी दो डायरेक्शन अगर पता वा तो तीसरी डायरेक्शन अपने आप पता लग जाएगी, क्योंकि इन तीनों का जो रिलेशन है वो सी पॉइंटिंग वेक्टर एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच तो निकालते हैं ना, और एच का और बी का की संबंध है, वैक्यूम के विच बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच है। तो आप इतने एच की जगह पे बी बाय म्यू नॉट है ना। तो एच वेक्टर पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दी डायरेक्शन नु रिप्रेजेंट करता, और आ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक। तो ये सारी गल कर चुके हैं अपन ना। इसका मतलब आज के बाद अगर साडे सामने ईएम वेव है तो असी उस ईएम वेव दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ते इलेक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन नु ड्रॉ कर देने हैं, तो सानू पता हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, उन्हें सेपरेटली मेंशन करने की लोड नहीं है। तो एक पॉइंट मैं इतने कहना चाहता ना, तो ये थानू समझ होनी चाहिए। फिर बेटा जदों तुसी गल करते हैं लाइट दी, थानू ये दस्या पुत्र कि लाइट दी एमिशन कदों होंदी है जदों सोर्स ऑफ लाइट दे एटम्स एक्साइटेड स्टेट चो ग्राउंड स्टेट वाल नू जंप करते हैं या लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जंप करते हैं ना, तो एक्सेस एनर्जी एमिट होंदी है। और थानू ये भी मैं दस्या सीगा कि जिहड़ी लाइट एमिट होंदी है ना पल्सिस दी फॉर्म होंदी है, कॉन्टीन्यूअस वेव नहीं है। अच्छा हुण बेटा गल नू की समझना कि अगर मान लो इस पेन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो अगर इस पेन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो जिहड़ी पहली पल्स है बेटा फर्स्ट पल्स
ਉਹਦੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆ ਉਸਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਤੇ ਇਹ ਫਸਟ ਪਲਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲਸ ਹੈ ਤੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਥਰਡ ਦੀ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਫੋਰਥ ਦੀ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਫਿਫਥ ਦੀ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਲਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਟ ਹੈ ਇਹ ਰੀਪ੍ਰੀਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ ਡੋਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਪਲਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਥਰਡ ਦਾ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਫੋਰਥ ਦਾ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਲਾਈਟ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਤੋ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋ ਉਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੋ ਹਰ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ 'ਚ ਤੋ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਤੋ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡੋਟ ਤੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਤੋ ਇਹ ਦੋ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੋ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਤੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਇਸ ਤਰਫ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਸ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਸ ਤਰਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਆਹੀ ਹੋਣ ਤੋ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤੋ ਅਗਰ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰਫ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰਫ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰਫ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰਫ
तो एरे कंपोनेंट्स बनावांगे एक इस तरफ इदां एरे बनावांगे इदां एरे बनावांगे। तो कहने का मतलब ये कि तुसी अनपोलराइज लाइट नूं पुत जिथे मैं हुण गल लिया के खत्म करनी जिहड़ी अनपोलराइज लाइट है उन्हों इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह भी और इस तरह भी। तो आ जिहड़े दो रिप्रेजेंटेशन है इहदे विच असीं की रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो इस तरह भी हो सकते हैं और इस तरह भी हो सकते हैं। अच्छा तो बेटा जिहड़ी लाइट है ईएम वेव है तो इहदी जिहड़ी टोटल एनर्जी है उहदा कंसर्न किहदे नाल है इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड नाल है। तो जदों असीं अनपोलराइज्ड लाइट के नाल दो कंपोनेंट्स जोड़ते हैं ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਅਗਰ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟੋਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਫ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਔਰ ਹਾਫ ਇਸ ਕਰਕੇ। मतलब अनपोलराइज लाइट के नाल जुड़े हुए इलैक्ट्रिक फील्ड की प्रैक्टिकली तो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वाइब्रेशन हो रही है पर असी यूजली की करते हैं कि असी अनपोलराइज लाइट नाल जुड़े हुए इलैक्ट्रिक फील्ड दी सिर्फ दो ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। तो हुण हर डायरेक्शन के नाल हर कंपोनेंट के नाल असी बराबर बराबर इंटेंसिटी डिवाइड कर देने हैं टोटल इंटेंसिटी का हाफ। सो इहदा मतलब अज तो बाद तुसी की याद रखना मोटे तौर पर जिहड़ी मेन गल याद रखण वाली है जिहड़ी साडे लई काम दी गल है हुण तक दी डिस्कशन तक वो सिर्फ इन्नी है कि जिहड़ी पोलराइजेशन फिनोमिना है ये फिनोमिना लोंगिट्यूडनल ते ट्रांसवर्स वेव नूं डिस्टिंग्विश करन दे लई यूज कीता जांदा और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव दी पोलराइजेशन इफेक्ट नूं शो कर दिया। और अगली गल हर अनपोलराइज लाइट के नाल असीं इलैक्ट्रिक फील्ड के दो रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स शो करते हैं तो दो इलैक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स आपस च भी परपेंडिकुलर होंगे है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे पर उन्हें दो रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की अपनी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है जिदा आ डॉट है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तो आ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो की थी और आ दूसरे कंपोनेंट की। तो अनपोलराइज लाइट के नाल असी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आ डायरेक्शन शो की थी एक कंपोनेंट की तो दूसरे की आ होएगी तो उसके लिए फिक्स नहीं है कि कितना करनी है जितना मर्जी कर सकते। फिर बेटा अगर तुसी अनपोलराइज लाइट ले स्ट्रेट लाइन में शो करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तो इस अनपोलराइज लाइट के नाल जुड़े हुए इलेक्ट्रिक फील्ड दी दो कंपोनेंट कितना शो करांगे ते कितना कर देने हैं पुत्र ते दूजा कंपोनेंट डॉट दे नाल क्योंकि अनपोलराइज लाइट के नाल जुड़े दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट एक दूजे के परपेंडिकुलर चाहिए है। तो अगर एक कंपोनेंट आ है इस तरफ है तो दूसरा इदा होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स है डबल एरो वाला भी ते डॉट वाला भी क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एरो दे नाल रिप्रेजेंट हो रही। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट नूं रिप्रेजेंट करन दे वे आउट है ना तरीके है तो इदां शो हो जांदी है। और अनपोलराइज्ड लाइट भी अगर टोटल इंटेंसिटी आई है तां इहदे दो रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे नाल जुड़ी हुई इंटेंसिटी टोटल दा हाफ होएगी मतलब इस डबल एरो करके भी इंटेंसिटी आई बाय टू है और इस डॉट करके भी आई बाय टू। तो इस तक गल समझ लगी है अंकुर क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा हुण देखो जदों असी गल करते हैं
अनपोलराइज लाइट दे, तो हम सानू थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया। हम बेटा एक तरह मान दी है प्लेन पोलराइज लाइट, तो प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब यह है कि वो लाइट जिसके नाल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन वन फिक्स्ड डायरेक्शन है, जबकि अनपोलराइज लाइट असी की देखा थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वाइब्रेट कर सकता या करता है, बट इन केस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स है, तो उस कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब जी अनपोलराइज लाइट है उस की दसिया थी कि अगर आ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर पहले पार्ट इदा वा तो दूसरे पार्ट इदा भी हो सकती, तीजे इदा भी, चौथे इदा भी, पंजवें इदा भी, है ना। पर जिहड़ा प्लेन पोलराइज लाइट है उहदे नाल की होगा कि अगर आ है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ है तो थ्रू आउट यही रहेगी, और अगर प्लेन पोलराइज के नाल जुड़े हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो थ्रू आउट इदा ही रहेगी, तो जे इस तरफ है तो थ्रू आउट इदा ही रहेगी। मतलब जी प्लेन पोलराइज लाइट है उसके नाल जुड़े हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिंगल है, फिक्स है, तो वह बदल नहीं रही, जबकि अनपोलराइज बदल रही है, और इस कारण करके जी प्लेन पोलराइज लाइट है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डबल एरो की डायरेक्शन क्या है तो थ्रू आउट डबल एरो की डायरेक्शन की, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट की डायरेक्शन क्या है तो वो थ्रू आउट डॉट की डायरेक्शन है। सो ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां प्लेन पोलराइज लाइट की। हुण तुसी की समझ जाना पुत्र कि थानू की दसिया सी कि आ थोड़ी है अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट इस अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई है, तो अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी अगर आई है तो थानू दसिया सी कि डबल एरो के नाल भी इंटेंसिटी आई बाय टू है, डॉट वाली भी आई बाय टू है, तो अगर असी अनपोलराइज लाइट नू प्लेन पोलराइज लाइट च कन्वर्ट करते हैं तो उस फिनोमिना नू असी कहने हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब की हो गया कन्वर्जन ऑफ अनपोलराइज लाइट इनटू प्लेन पोलराइज लाइट, और जब थोड़ी अनपोलराइज लाइट प्लेन पोलराइज लाइट कन्वर्ट होगी तो उसकी इंटेंसिटी क्यों, क्योंकि ये कोल दोनों कंपोनेंट्स करके आई बाय टू करके टोटल इंटेंसिटी आई है, और ये इको कंपोनेंट रह गया तो आई बाय टू ही हुए। तो जब भी बेटा वाडे सामने कोई भी अनपोलराइज लाइट प्लेन पोलराइज लाइट कन्वर्ट होएगी तो उसकी इंटेंसिटी आई बाय टू होएगी, हाफ होगी। समझ आई है अंकुर? तो फिर जब तुसी माइंड दे विच क्वेश्चन लियाने आ कि जिहड़ी अनपोलराइज लाइट है इसनू प्लेन पोलराइज लाइट किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है, तो देयर आर मैनी वे, बड़े तरीके है किसी भी अनपोलराइज लाइट नू पोलराइज लाइट प्लेन पोलराइज लाइट कन्वर्ट करन दे, देयर आर मैनी वेज। उहदे विचों बेटा एक तरीका की है कि साढ़े को एक डिवाइस होंदा जिन्हों असी कहने हैं पोलराइजर, तो असी पोलराइजर डिवाइस नू यूज करके अनपोलराइज लाइट नू प्लेन पोलराइज लाइट च कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अच्छा हुण बेटा दूसरा तरीका की है अनपोलराइज लाइट नू प्लेन पोलराइज लाइट बनाने का, बाय रिफ्लेक्शन, बाय रिफ्लेक्शन। हम जदों असी
अनपोलराइज लाइट नू प्लेन पोलराइज लाइट कन्वर्ट करना और केड़ा फिनोमिना यूज करना बाय रिफ्लेक्शन, तो उठे बेटा देखो सानू जिस लॉ भी रिजल्ट पता होना चाहिए था, उसके बारे में हम तुम्हें दसन लगा कि अगर आ जाए कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन कंसेप्ट आप पढ़ने लग गए हैं कि रिफ्लेक्शन के नाल पोलराइज लाइट किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उसके लिए बेटा पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड ब्रेसर्स लॉ, तो ये अपने आप से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो समझो भाई हुण आ देखो ये बेटा सिर्फ दो गल्लां याद रखनिया, एक मान लो तुहाडे कोल एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग म्यू है, तो म्यू की है ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। हम बेटा अगर तुसी इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए तुसी सब तो पहला की किया इस मीडियम के ऊपर अनपोलराइज लाइट इंसीडेंट की, इंसीडेंट की फिर होएगा कि ध्यान रखना जो ये अनपोलराइज लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से इंसीडेंट करेंगे तो इस इंसीडेंट लाइट का कुछ पार्ट वापस आ जाएगा रिफ्लेक्टेड पार्ट और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगा आगे चला जाएगा रिफ्रैक्ट हो जाएगा। हम बेटा अगर गलों हम ध्यान सुनियो इसे गल समझ आनी है, तो आ जरा एंगल है एक कोई भी एंगल हो सकता है, तो आप जनरल गल कर रहे, तो अगर आ वाला एंगल असं एंगल ऑफ इंसीडेंस बोलते हैं ना, तो अगर बेटा अं अनपोलराइज लाइट में इंसीडेंट करते हैं तो बाउंड्री पर पहुंच के रिफ्लैक्टेड पार्ट भी नॉर्मली अनपोलराइज ही होंगे तो रिफ्रैक्टेड पार्ट भी अनपोलराइज ही है, पर अगर बेटा असं एंगल ऑफ इंसीडेंस को सिलेक्टिव वे सिलेक्ट करते हैं, मतलब असी जो आ वाला एंगल है इनू खास तरीके सिलेक्ट करते हैं सीधा कि इनू सिलेक्ट किया और इदा सिलेक्ट किया कि जिहड़ी रिफ्लैक्टेड रे है वो की बन गई, वो हो गई प्लेन पोलराइज, वो हो गई प्लेन पोलराइज। तो अगर बेटा रिफ्लैक्टेड रे थोड़ी प्लेन पोलराइज हो गई तो उस वक्त इस एंगल में की कहना सी, इस एंगल में कहना पोलराइजिंग एंगल, तो अगर तुसी अनपोलराइज लाइट नो ट्रांसपेरेंट मीडियम से इंसीडेंट किया तो यूजली तो जी रिफ्लैक्टेड रे है वो अनपोलराइज ही रहती है, पर अगर आप एक पर्टिकुलर एंगल से इन सिलेक्ट करके इंसीडेंट किया तो फिर रिफ्लैक्टेड रे प्लेन पोलराइज हो जाती है। हुण ये जी रिफ्लैक्टेड रे है जो प्लेन पोलराइज होगी तो ये सिर्फ इलैक्ट्रिक फील्ड का एक ही कंपोनेंट होगा जोड़ा डॉट वाला, डॉट वाला मतलब हम याद की रखना कि जो भी अनपोलराइज लाइट आफ्टर रिफ्लैक्शन प्लेन पोलराइज बनेगी तो उस प्लेन पोलराइज के नाल जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन प्लेन ऑफ इंसीडेंस के परपेंडिकुलर होगी, प्लेन ऑफ इंसीडेंस के परपेंडिकुलर होगी। अच्छा हम थोड़ा ये पता ही है पुत्र कि आ एंगल ऑफ इंसीडेंस है आ एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन है ये हमेशा दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों आई पी आई पी। अच्छा हम देखो तो आ जी रिफ्रैक्टेड रे है आ तो रिफ्लैक्टेड रे है और आ रिफ्रैक्टेड रे है, जी रिफ्रैक्टेड रे है रिफ्रैक्टेड रे रिफ्लैक्टेड रे उस वक्त परपेंडिकुलर होएगी,
90 डिग्री से हो। हुण इस गल नूं तुसीं याद किदां रखना पुत्तर, देखो अगर थानू कोई बोले कि तुसीं किसे ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनपोलराइज लाइट इंसीडेंट की और जो रिफ्लेक्टेड रे है तो रिफ्रैक्टेड रे दे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब तुसी समझ जाना कि उस वक्त रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज्ड है। और दूजे गल कि अगर थानू कोई कहे कि असी अनपोलराइज्ड लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से इंसीडेंट की तो जी रिफ्लेक्टेड रे है इट बिकम्स प्लेन पोलराइज, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे उसके परपेंडिकुलर। तो जब भी रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज कन्वर्ट हो जाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे तो रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर होगी, तो ये रिजल्ट भूलने नहीं है। तो हूँ बेटा तुसी कहोगे कि इस आई पी की वैल्यू कितना कटनी है, तो उन्हें तुसी रिजल्ट याद रखना जिन्हों असी ब्रेथेल्स लॉ कहने हैं, साढ़े दिमाग से क्वेश्चन आता कि सानू कितना पता लगेगा कि अनपोलराइज्ड लाइट नो केड़े एंगल पे इंसीडेंट किया जाए ताकि रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज्ड होए। तो उसके लिए बेटा तुसी एंगल ऑफ इंसीडेंस केड़े फार्मूला तो सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्रेथर लॉ तो टेन आई पी इज इक्वल टू म्यू। मतलब अगर थानू ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम तो तुसी आई पी की वैल्यू कट सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। तो अगर तुसी ये फार्मूला प्रैक्टिकली यूज करके आईपी कट लिया तो तुसी प्रैक्टिकली अगर उस आईपी एंगल पे अनपोलराइज्ड लाइट इंसीडेंट करोगे तो जी रिफ्रैक्टेड रे है तो रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर होगी तो रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज होगी। समझ आ रही है अंकुर? तो मतलब जी आप डिस्कशन आज इतने समाप्त कर रहे हैं ना, तो ध्यान सुनो, तो अगले लैक्चर से खत्म हो जाएगा टॉपिक। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी असी अनपोलराइज लाइट नू प्लेन पोलराइज लाइट कन्वर्ट करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। दूजी गल जो भी तुसी किसी भी सबस्टांस के उपर ट्रांसपेरेंट मीडियम के उपर अनपोलराइज लाइट नू इंसीडेंट करते हैं तो आम तौर पर रिफ्लैक्टेड रे तो रिफ्रैक्टेड रे दोनों ही अनपोलराइज होंगे, पर अगर तुसी एंगल ऑफ इंसीडेंस नू सिलेक्ट किया हुआ यूजिंग दिस लॉ और इस लॉ नू असी कहने हैं ब्रेथर्स लॉ, तो इस फार्मूला तो आई पी सिलेक्ट करके अगर तुसी अनपोलराइज लाइट नू ट्रांसपेरेंट मीडियम से इंसीडेंट करोगे तो रिफ्लैक्टेड रे जी है वो हमेशा प्लेन पोलराइज होगी और उसके नाल जुड़िया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लेन ऑफ इंसीडेंस के परपेंडिकुलर होगा और रिफ्रैक्टेड रे उस रिफ्लैक्टेड रे के परपेंडिकुलर होगी। तो ये कंडीशंस नू याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्लियर है इना पुत्र? अंकुर तो